है क्वेश्चन, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम आरएमएस स्पीड एज हीलियम मॉलिक्यूल एट एसटीपी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम आर 32 एंड 4 दिया हुआ है। तो हमें टेम्परेचर निकालना है, कौन सा टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो आरएमएस स्पीड रहेगा वही हीलियम का एसटीपी पे रहेगा, तो वो टेम्परेचर क्या रहेगा वो हमको पूछा गया है। तो भाई वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अंडर रूट 3 आरटी बाय मोलर मास, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर दिया है भाई जो हीलियम है वो कहाँ पर है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एसटीपी यानी कितना होता है, तो एसटीपी यानी 273 केल्विन होता है। तो यहाँ पर अगर हीलियम दिया है एसटीपी पे और उसकी जो आरएमएस स्पीड रहेंगे वो किस टेम्परेचर पे रहेगी ऑक्सीजन की, ये हमको पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मान ले वी आरएमएस 1 हम ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, 3 RT डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना होता है 16 16 32 होता है, ठीक, तो ये लिख लिया 32। दूसरा वी आरएमएस ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, 3 × R × टेम्परेचर कितना दिया है बच्चों, तो एसटीपी दिया है यानी 273 केल्विन दिया है डिवाइडेड बाय 4। तो ये वी आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस 2 होना चाहिए, वी आर एम एस 1 इज इक्वल टू वी आर एम एस 2, ठीक है। तो सेम वी आर एम एस है ऐसा बोला गया है, तो अंडर रूट 3 आर टी डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आर इंटू 273 डिवाइडेड बाय 4। अब 3R मर गया है यहां पर, तो हमें क्या मिलता है, T डिवाइडेड बाय 32 अंडर रूट, और यहां पर क्या मिलता है 273 डिवाइडेड बाय 4, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ में स्क्वायर ले लेता हूं, तो ये क्या है, T डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 273 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 8 × 4 = 32 होता है। तो T कितना है बेटा, 273 × 8, ठीक, 8 × 3 = 24, ठीक है, साथ ही साथ 56 58, ठीक है, 16 16 और 5 कितना होता है, 16 और 21, तो ये 2184 केल्विन आंसर आ रहा है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते।